आज मैं आप सबको BTS की बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज बताने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। आप सब आज जानोगे कि जोंगकुक को सबसे ज्यादा सेक्सी पर्सन के रूप में एक मैगजीन के कवर पेज के लिए चुना गया है। इसके साथ ही आप ये भी जानोगे कि BTS के वो दो सॉन्ग कौन है जिन्हें 2023 में होने जा रहे ग्रेमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया है, और जेहोप को अकेले 21 जगह पे सोलो परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। इन सारे न्यूज को जानने के लिए आप सब तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखो और इसे एंजॉय करो। तो 15 ऑफ नवंबर को रिकॉर्डिंग एकेडमी ने अनाउंस किया 2023 ग्रेमी नॉमिनेशन को, यानी कि उन पर्सन को दिखाया गया जो 2023 में होने जा रहे ग्रेमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड किए गए हैं, जिसमें हमने BTS को 2023 में होने जा रहे ग्रेमी अवार्ड्स के लिए 2 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड करते हुए देखा गया। फर्स्ट कैटेगरी है बेस्ट पॉप ड्यू ग्रुप परफॉर्मेंस, जिसमें कोल्डप्ले और BTS के सॉन्ग माई यूनिवर्स को नॉमिनेटेड किया गया, और सेकंड कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिक वीडियो, जिसके लिए BTS के सॉन्ग येट टू कम को नॉमिनेटेड किया गया। और जब ये न्यूज आर्मीज को पता चली और उन्होंने अपना प्यार एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, तब उनका प्यार ट्रेंड करने लगा, यानी कि BTS ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। इस चीज को लेकर तो आपने BTS को इस बड़े से अचीवमेंट के लिए अभी तक कांग्रेस नहीं किया है, तो कमेंट में फटाफट से उन्हें कांग्रेस कर दें। एंड सेकंड गुड न्यूज आ रही है हमारे जेहोप की तरफ से। जेहोप 29 एंड 13 ऑफ नवंबर को सोलो परफॉर्म देने वाले हैं, और वो भी मामा अवार्ड्स में, और इस बात को कंफर्म किए हैं PD यूंग सी ने आज ही, यानी कि 16 ऑफ नवंबर को। उन्होंने ये भी कहा है कि जेहोप BTS के इकलौते ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने अपना सोलो एल्बम और सोलो परफॉर्मेंस सबसे पहले आर्मीज के सामने लाए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल होने जा रहे मामा अवार्ड को वो सब मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जेहोप को फाइनल किया है कि वो इसमें परफॉर्म करें। तो जेहोप के इस गुड न्यूज के लिए आर्मीज, आप उन्हें कांग्रेस करना ना भूले। एंड थर्ड न्यूज है हमारे गोल्डन मैग्नेट जियो जोंगकुक की तरफ से। जोंगकुक को चूज किया गया है पीपल मैगजीन के लिए सबसे सेक्सी पर्सन के रूप में। इस लिस्ट में ये देखा जा रहा था कि कौन कौन पर्सन 18 ईयर से लेके 70 ईयर के बीच में कौन कौन सबसे ज्यादा सेक्सीस्ट पर्सन है, जिसमें हमारे जोंगकुक भी शामिल थे 25 ईयर ओल्ड सेक्सीस्ट मैन के रूप में। और ये पहली बार नहीं है जब जोंगकुक को इस लिस्ट में देखा जा रहा है, इससे पहले भी 2022 में द सेक्सीस्ट मैन अलाइव के लिस्ट में देखा गया था। मैंने आप सबके साथ BTS की इतनी सारी गुड न्यूज को शेयर किया। वैसे आपको BTS की कौन सी गुड न्यूज सबसे ज्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जाने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।